अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। मैंने ब्लॉग का स्टार्ट नहीं लिया आज से। अब सोच रहे होंगे कि आप ही किस जगह आ गई हैं। अभी जी हम के कॉर्नर के बाहर खड़े हुए थे और आज हम जा रहे थे झेलम। अम्मी के घर जाना था। दरअसल अम्मी आई हुई थी मेरे साथ और अम्मी को हम छोड़ने जा रहे थे। अम्मी जी बस में बैठ के कर रही थी वेट और मेरे हस्बैंड गए थे पेस्ट्री वगैरह। या मैंने बोला था हमारे लिए केक ले हैं, हमने खाना है। और ये जी हमारा सामान पड़ा हुआ है, वो मेरी अम्मी बैठी हुई हैं। बस जी आप सब माशाल्लाह माशाल्लाह बोल दिया करें। आप भी बोलते होंगे कि हर दफ़ा माशाल्लाह माशाल्लाह बोलती है। तो ये हर वक्त ये केक कॉर्नर के भाई रश रहता है जिनकी चीज़ों का टेस्ट बहुत अच्छा। मैं कहती तहज़ीब बेकरी, राहत बेकरी, इनसे इस बेकरी के खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है। अभी जी हमारे साहब आ चुके थे, चीज़ें वो ले आए थे और जो मैंने चीज़ बोली थी वो नहीं लेके आए थे। मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। मैंने कहा था मैंने जो बोला था वो तो लेके नहीं आए, कहते हैं वो नहीं मिला। तो फिर जी मैंने पेस्ट्री खाई नहीं, बस देखी और मेरा मूड ऑफ हो गया। कभी कभी जी हमारा मूड भी ऑफ हो जाता है। ये हर वक्त इंसान का मूड फ्रेश नहीं रहता। अभी जी हम पहुंच चुके थे आई थिंक मंदरा के करीब थे और बस पेस्ट्री का शापर मेरे हाथ में था। अब मैंने जिद लगाई हुई थी कि साथ कोल्ड ड्रिंक होगी तो था, मैंने पेस्ट्री खानी नहीं, मैंने नहीं खानी। और ये जी आपके आपी के हाथ आ गया, जबकि आपी ने ब्लेस्टर को रिंग पहनी तो शोखियाँ मार रही है। आपको पता कि जब आपकी आप इस तरह की कोई चीज़ पहन ले तो बस वो शोखियाँ मारती, मैं शो ऑफ कर रही थी। ये तो जी लड़कियों की आदत होती है। और ये जी आपकी आप भी आके देख सकते हैं जी, माशाल्लाह माशाल्लाह बोल दें, कितनी खूबसूरत लग रही है आपकी आप भी। और बस जी मैंने सोचा कि थोड़ा सा वो लोग मैं अपना शूट कर लूँ। मेरा गला इस तरह शदीद ख़राब है आजकल, मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे टेम्परेचर है, फिर भी बड़ी मुश्किल से मैं वॉइस ओवर करती हूँ आप लोगों के लिए। ये जी अभी मुझे मिले थे कुछ पैसे, 100-100 के नोट, वो मैंने उठाए हुए थे। मैंने सोचा कि इनका भी व्लॉग शूट कर लूँ। अभी जी हमारे साहब गाड़ी चला रहे हैं और हम बैठ के बस चुपचाप करके झेलम का सफ़र कर रहे हैं। और बस आपको पता है ना कि जब साहब लोग गाड़ी चला रहे हो तो कहते चुप करें, हमें ड्राइविंग करने दें, बस चुप चुप चुप। पर मेरी आदत है ना कि इंसान बातें करे और इंजॉय करे। और व्यू देख सकते किस कदर खूबसूरत व्यू था, दिलकश व्यू था।